बूंदी जिले में एक मौलाना द्वारा विवादित बयान दिया गया। उन्होंने नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। कार्यवाही नहीं करने पर मौलाना द्वारा चेतावनी भी दी गई है। आपको बता दें कि राजस्थान के बूंदी जिले में एक मौलाना द्वारा विवादित बयान देने का मामला सामने आया है। मौलाना को उसके बयान के लिए पुलिस ने उन्हें और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि मौलाना मुफ्ती नदीम ने कलेक्ट्रेट और पुलिस के सामने यह बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं मौलाना यह चाहते थे कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ नुपुर शर्मा द्वारा दी गई विवादित टिप्पणी पर पुलिस कुछ कार्यवाही करे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर प्रशासन कुछ एक्शन नहीं लेता है तो इसका जवाब मुस्लिम समाज देगा। आपको बता दें कि मौलाना मुफ्ती नदीम ने विवादित बयान में कहा है कि जो पैगंबर साहब के खिलाफ बोलेगा उसकी आंख नोच लेंगे, हाथ उठाया तो हाथ तोड़ देंगे और उंगली उठाई तो उंगली भी तोड़ देंगे। बताया जा रहा है कि मौलाना ने यह बयान पुलिस के सामने दी है। उनके इस बयान के बाद उन पर कार्यवाही हुई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।